नमस्कार दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। अदानी के पावर स्टॉक का आप जानते हैं 165 की ऊंचाइयों से स्टॉक टूटते टूटते आज की डेट में 115 रुपए पर पहुंच चुका है। 5 दिन लगातार इसमें लोअर सर्किट लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इसका लोअर सर्किट आखिर ब्रेक कब होगा? तो देखिए इसका जवाब आपको मंडे को देखने को मिल जाना चाहिए। एसर पावर की तरफ से एक डील हुई है जिसमें अदानी पावर ने बोली जीत ली है। एसर पावर कंपनी दिवालिया हो गई थी और उसने NCLT के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत जो बोली 1200 मेगावाट के प्लांट के लिए अदानी पावर ने जीत ली है। ये प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए खबर आप देख सकते हैं, एनर्जी वर्ल्ड वालों ने छापी है, अदानी पावर एमर्जेज एज सक्सेसफुल बिडर फॉर एसर पावर प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट महान प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। द अदानी पावर बिड फॉर द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ इट विल हैव टू सीक द NCLT अप्रूवल टू एक्वायर द प्रोजेक्ट विच इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो आगे आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एसर पावर MP लिमिटेड कंपनी अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हैज अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द अदानी पावर। अब BSE फाइलिंग बाय द अदानी पावर सेड ऑन फ्राइडे। तो ये खबर जो है BSE की जो ये फाइलिंग इन्होंने सबमिट की है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है 1200 मेगावाट का इनका प्रोजेक्ट है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। According to industry sources, the deal size of the project is estimated at around ₹2,800 to ₹3,000 crore। तो ये अदानी की प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं, 18 जून 2021 को इन्होंने BSE और NSE को सबमिट की है। This is to inform you that the committee of creditors has approved this company's resolution plan submitted by the Adani Power। आगे लोग लिखते हैं, pursuant to the approval, the resolution professional appointed by the Honorable National Company Law Tribunal Delhi has issued a letter of intent dated 17th June 2021 to the company। The closure of the transaction shall be subject to the obtaining necessary approval from the NCLT and satisfaction of conditions present under the resolution plan। तो देखिए अदानी पावर का जो है डेली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आप लगातार गिरावट स्टॉक में देख सकते हैं ऊपर इस तरह से, और 5 दिन से जो है लगातार लोअर सर्किट इसमें 5% का आप लगते हुए देख रहे हैं। अब सवाल यही कि इसका सर्किट कब थमेगा? तो देखिए जो खबर मैंने आपको दिखाई है उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ मंडे को आते हुए देखने को मिल सकता है, और संभावना ऐसी है कि सर्किट मंडे को फाइनली यहाँ से आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिल जाएगा और वहीं स्टॉक आपको नॉर्मल ट्रेड होता हुआ करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये गिरावट नहीं रुकती है और स्टॉक फिर से डाउन जाने का प्रयास करता है तो फिर आपको 109 रुपये के एक टारगेट के लिए ध्यान रखना चाहिए। 109 से 110 रुपये पर स्टॉक ने जो है 25 मार्च को एक सपोर्ट लिया था और रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इसी लेवल पर आकर ये आपको सपोर्ट भी कहीं ना कहीं लेते हुए देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक जो पिछले दिनों में जो अदानी पावर ग्रुप्स के स्टॉक्स को लेकर जो खबरें आई है उसके चलते ये सारी स्टॉक्स ने गिरावट की है, और वहीं अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी पोर्ट ने जो है अपनी रिकवरी काफ़ी निचले स्तरों से कर ली है। अब ये 3 और 4 स्टॉक्स इसके बचे हैं जिसमें लगातार 5% के सर्किट आप देख रहे हैं, जिसमें अदानी पावर ग्रीन ट्रांसमिशन एंड एक और जो स्टॉक है अदानी गैस है, तो ये भी अभी संभलने बाकी हैं। इनमें डाउन साइड अभी भी जारी हमने देखी है फ्राइडे के सेशन में। तो देखिए अब इसमें आगे की बात करें तो कंपनी के जो Q4 के नंबर्स आपने देखे हैं अब तक जो गिरावट हुई है उसको एक बार छोड़ते हुए आगे की कंपनी की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी जीता है आपने देख लिया है, ये जैसे इस अप्रूवल ये लोग ले लेंगे पूरा अपने अधिग्रहण में कर लेंगे, और उसके बाद जब प्रोडक्शन या बिजली का स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उसके नंबर्स का जो बेनिफिट होगा, बिजली बिक्री का जो होगा बेनिफिट, वो भी आपको अदानी पावर की बैलेंस शीट्स में आते हुए देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें Q4 के नंबर की, तो देखिए Q4 के नंबर में आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। कंपनी पिछले क्वार्टर से लेकर पिछले सालों से घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए कंपनी की आगे की स्थिति कुछ ठीक होती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के क्वार्टर में कंपनी 288 करोड़ का जो घाटा गया था वो इस बार 13 लाख का प्रॉफिट आपने आते हुए देखा है। वहीं पिछले साल मार्च 20 से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको 1312 करोड़ के बड़े घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी पॉजिटिव आती हुई देखने को मिली है। वहीं ईयर 19-20 को 20-21 से कंपेयर करेंगे तो 2274 के घाटे के मुकाबले 1270 का कंपनी ने जो है मुनाफा पोस्ट किया है। तो आगे ट्रेंड इनका मुनाफे की ओर ही आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम मेनली उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ ऊपर के स्तरों पे बाइंग कर रखी है। ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे रिटेलर्स ने कई ऊपर से लेके कई मध्यम स्तरों पर 120 से लेके 165-160 के
तमाम स्तरों पर जो है बाइंग करी हुई है, और आज उनका पोर्टफोलियो आप एकदम क्लियरली आपको रेड एंड नेगेटिव काफ़ी खुनम खून दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आप लॉस बुक करने से तो बेहतर यही मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। लॉस बुक करके निकल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, सर्किट टूटेगा एक दो दिनों में तो आप एग्जिट कर लोगे, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है, जितना घाटा आप इसमें खाओगे उसके घाटे की पूर्ति आप अगले 5 से 7 दिनों में किसी दूसरे स्टॉक में कर लोगे। अगर कर लेते हैं आप श्योर है इस बारे में तब तो आप एग्जिट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी तो आप ऐसा कीजिए, और बड़ा अमाउंट अगर लगा रखा है तो आप आराम से यहाँ पर होल्ड करिए, बहुत ज़्यादा घबराहट वाली बात नहीं है। मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, इसको सुधरने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन सुधर जाएगा। और साथ ही साथ जो मैं आपको बताऊँ Q1 से लेकर कंपनी के Q2 के नंबर्स आएंगे, देश में अर्थव्यवस्था अनलॉक धीरे धीरे हो रही है, कारखानों से लेकर फैक्ट्रियाँ और ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ऑफिसेज सारे धीरे धीरे जब खुलने लग रहे हैं तो बिजली की खपत जो है आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और Q1 से लेके Q2 के इन दो नंबर्स के लिए आप होल्ड करिए। कंपनी ने जैसा कि अधिग्रहण मैंने आपको बताया वो प्लांट में इनका जल्दी ये लोग चालू करते हुए देखने को मिलेंगे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को वैसे भी जो है प्रॉफिट की और ग्रोथ की भूख बहुत ज़्यादा है, इसी चीज़ का फायदा जो रिटेलर्स फंसे हुए उनको होते हुए देखने को मिलेगा। तो कम से कम 4 से 6 महीने के लिए होल्ड करिए, प्रॉफिट यहाँ लॉस बुक करने की जल्दबाजी मत कीजिए, बाकी आपकी इच्छा की बात है। मैंने जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।